कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत श्रुतवारि दिन उन्मथ्य न्याय शास्त्रामृतम सनः समंत भद्र उद्द्रे भावि तीर्थ करो ब्रियात। आज मैंने जो मंगलाचरण का श्लोक बोला है इस श्लोक को पंडित माणिक चंद जी न्यायाचार्य ने लिखा है। पंडित माणिक चंद जी न्यायाचार्य जैन दर्शन और जैन न्याय के एक बहुत उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं, जिन्होंने सबसे पहले तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का 7 भागों में हिंदी में अनुवाद किया। आचार्य विद्यानंद स्वामी का जो अद्भुत ग्रंथ है तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया। और जब अनुवाद किया तो अनुवाद करने से पहले कुछ श्लोकों में संस्कृत श्लोकों में मंगलाचरण किया, उन्हीं में से ये श्लोक है। और इस श्लोक का अर्थ ये है कि जिन्होंने श्रुत रूपी वारिधि को, वारिधि माने सागर महासागर, श्रुत रूपी समुद्र को मथ करके, उन मथ माने मथ करके, जिन्होंने श्रुत रूपी समुद्र को मथ करके न्याय शास्त्र रूपी अमृत हमारे लिए निकाला, उन समंत भद्राचार्य को मैं प्रणाम करता हूँ, वे मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। और इसमें भी ऐसा लिखा है भावी तीर्थ करो, वे भविष्य के तीर्थंकर हैं। हिंदी में पूरा अर्थ ये हुआ कि मैं उन आचार्य समंत भद्र की शरण ग्रहण करता हूँ जो भावी तीर्थंकर हैं और जिन्होंने श्रुत वारिधि को मत करके न्याय शास्त्र रूपी अमृत हमारे लिए निकाला है। ऐसा ये एक बहुत बढ़िया मंगलाचरण है। अभी वर्तमान में तो श्लोक वार्तिक का एक दूसरा अनुवाद भी आरिका सुपार्श्वमती माता जी का आया है, लेकिन ये सबसे प्राचीन अनुवाद है। उसके ये शुरू में मंगलाचरण के कुछ श्लोक हैं, उनमें से ये श्लोक एक समंत भद्र से संबंधित था, इसलिए आज इसे मंगलाचरण के रूप में पढ़ा। और ये मंगलाचरण का श्लोक आज मुझे दिनेश जी ने भेजा, तो मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने आपको सुनाया। दिनेश जी बहुत मन लगाकर पढ़ रहे हैं और आज उन्होंने सभी धर्मों को, भाव अभाव नित्य अनित्य द्वैत अद्वैत, इनको संविधान की भाषा में बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है, जो मैंने आप सबको ग्रुप पर भेजा। बहुत अच्छा समझने लायक विषय है, सब धर्मों का क्या स्वरूप है और वे कैसे वस्तु को टिकाते हैं, जमाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, ये विषय समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, अपन ने बहुत सारी चर्चा की और हमारे 6 परिच्छेद पूरे हुए। अब हम 7वें परिच्छेद पर जाएंगे, लेकिन कुछ बातें अभी ऐसा लग रही है कि जिन पर हमारा थोड़ा और ध्यान जाना चाहिए और थोड़ा अच्छे से जाना चाहिए। ग्रंथ को पूर्ण करना ही पर्याप्त नहीं है, उसकी विषय वस्तु को
हृदयंगम करना जरूरी है, वो एकदम जमना चाहिए। ये जो स्यादवाद का विषय है ये बहुत गंभीर है। आचार्य अकलंक ने लिखा न, श्रीमत परम गंभीरम स्यादवादा मोग लांछनम जीया त्रैलोक्य नाथस्य शासनम जिन शासनम। जिनेन्द्र भगवान का शासन वो परम गंभीर है, क्योंकि उस पर स्यादवाद की चिन्ह लगी हुई है, मोहर लगी हुई है, उसका हर वाक्य स्यादवाद से लांछित है। तो इस स्यादवाद का स्वरूप समझना आसान बात नहीं है। बड़े बड़े लोग गच्चे खाते हैं, स्यादवाद का नाम लेना आसान है, मगर स्यादवाद को घटित करना, समझना ये बहुत जरूरी है। क्या स्यादवाद का स्वरूप है, इसको हम जब तक अच्छे से नहीं समझेंगे ना, तब तक बात नहीं समझ में आएगी। देखो, जैसे अपन चर्चा कर रहे हैं, जिस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं, उस प्रकरण के संबंध में दो तीन छोटी छोटी बात आपको बताता हूं। जैसे एक वाक्य आपने सुना होगा, जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी है। बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन मुझे अब इसका गहरा एहसास हुआ कि परीक्षा प्रधानी क्यों कहा, परीक्षावादी क्यों नहीं कह दिया। समझना बात को, जैन दर्शन परीक्षावादी है या परीक्षा प्रधानी है, क्या फर्क है दोनों वाक्यों में। यदि हम कहेंगे कि वो परीक्षावादी है तो उसका मतलब हो जाएगा वो हेतुवादी है, एकांतवादी हो जाएगा, हेतुवादी नहीं है, हेतु प्रधानी है, स्यादवादी है। हाँ वैभव जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी ओर ध्यान नहीं जाता। जैन दर्शन परीक्षा प्रधानी है, परीक्षा को प्रधान का मतलब ही होता है कि वो बाकी को भी गौण रूप से मानता है। परीक्षा को ही माने तो एकांतवादी हो जाए, परीक्षा को प्रधान करता है पर मानता प्रत्यक्ष को भी है और मानता आगम को भी है। एक ये बात बहुत ध्यान देने लायक है। ऐसे ही दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विचार मेरे मन में जो आया, वो मैं आपसे करना चाहता हूं कि ये बताओ, मुख्य करना अच्छा होता है कि बुरा। मेरा प्रश्न है, मुख्य करना, मुख्य गौण करना समझ लो, मुख्य गौण करना अच्छा होता है कि बुरा होता है। वास्तव में देखा जाए, हाँ संदेश भैया जी, मैं ही इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। हाँ। और गौण करना अच्छा बुरा तो तब होगा जब इसके बिना कुछ कहना संभव हो। हम मुख्य और गौण किए बिना कुछ कह ही नहीं सकते हैं किसी भी चीज के बारे में। हाँ। नहीं, मैं चिंतन कर रहा था। देखो, मुख्य गौण करने में मुख्य, अगर आप किसी एक धर्म को मुख्य करते हैं तो ये भी एक अपराध है, क्योंकि वस्तु में कुछ मुख्य नहीं है। आप समझने के लिए मुख्य कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनल मजबूरी है। आप उस मजबूरी को थोपने की कोशिश मत करो। वस्तु में कुछ भी मुख्य गौण नहीं है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट, कितने दिन से मेरे चित्त में ये चलता है कि मुख्य और गौण वस्तु में नहीं होते हैं, मुख्य और गौण वाणी में होते हैं। वक्ता श्रोता समझने के लिए किसी प्रयोजन वसात करते हैं, और मुख्य करना अगर वैसे देखा जाए तो एक प्रकार का अपराध है, क्योंकि वस्तु में
जैसे ही आप एक को मुख्य करते हैं, जब आप एक को हाईलाइट करते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से बाकी के सब सब गौण हो जाते, सब हल्के पड़ जाते हैं, सब हल्के पड़ जाते हैं बाकी के सारे के सारे। ये खास कई बार तो हम मुख्य ही इसलिए करते हैं कि हमें बाकी को गौण करना है। हम कभी कभी एक ही नेता जी को इसलिए मुख्य करते हैं कि बाकी के नेता को गौण करना है। वो एक को मुख्य करना हमारा उद्देश्य नहीं होता है, हमारा उद्देश्य अन्य को गौण करना ही होता है। कैसे कैसे इरादे काम करते हैं, तो इरादे से ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस पर भी आपका थोड़ा ध्यान जाए। और जब हम स्यादवाद पढ़ रहे हैं तो हमको हर चीज में मुख्य गौण करना अच्छा है कि बुरा, फिर वही बात आ जाएगी, स्यात लगा करके कहना पड़ेगा। हमको स्यात लगा के कहना आना चाहिए। और एक बात और कह देता हूं, बाद में संदेश जी आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। देखो, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसको जरा बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हमारे कल परसों के प्रकरण से सीधा जुड़ा हुआ विषय है, वेद क्यों अप्रमाण है, मेरा ये प्रश्न है। और बहुत लोगों ने मुझे इसका उत्तर लिख लिख कर भेजा है और विस्तार से लिख लिख कर भेजा है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, एक दफे अपन लोग ये तो समझ लें कि ये क्या कहना चाहते हैं। अपन बाद में जो कुछ करेंगे करेंगे, अपने जितना समझ में आएगा आएगा, आज आएगा कल आएगा, लेकिन आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, मुझे एक लाइन में उत्तर चाहिए। देखो, लंबा उत्तर हमेशा वे देते हैं जो ठोस नहीं दे सकते हैं। वेद अप्रमाण है या वेद प्रमाण नहीं है, क्यों, एक ही लाइन में उत्तर देना है, 100 उत्तर नहीं चाहिए। जिन आगम प्रमाण है क्यों, एक ही उत्तर, जो यहां कहा है शास्त्र में जो कहा है हमको वो बात कहनी है। और वो उत्तर सीधा सच्चा, मैं एक वाक्य आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूं, वेद अप्रमाण है क्योंकि वे आप्त के वचन नहीं है। बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना मुझे, ये लोहे की लकीर है। वेद अप्रमाण नहीं, मुझे अब और सारे उत्तर नहीं चाहिए, एक में सब आ जाएंगे, इसमें सब आ जाएंगे, बहुत बढ़िया। वेद अप, देखो इसमें 100 दफे लिखा है, और हालांकि मैं बहुत माथा मार रहा हूं, अभी मैं भी समझ रहा हूं, आपको सच बता रहा हूं, धवला में 10 जगह देखो ये कितनी किताबें खुली रखी है सुबह से, और एक ही विशेष पढ़ रहा हूं मैं सिर्फ। कितने 4 लोगों को तो फोन कर लिया, पढ़ लिया, एक ही धवला में लिखा, वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम, वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम, एक ही वाक्य बोलना है। जिनागम क्यों प्रमाण है, जैन आगम, देखो एक ही बात है, जैन आगम प्रमाण क्यों है। पहले अपन कुछ लाइन ऐसी होती है जो रट लेने की होती है, आज नहीं कल समझ में आएगी, आज नहीं कल समझ में आएगी, लेकिन रटने की है। जैन आगम प्रमाण है क्योंकि वे आपके वचन हैं, बस खेल खत्म। अब आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतने पे ही आ जाएगा। जैन आगम प्रमाण है क्योंकि वे आप्त के वचन है। अब इसको समझने में हालांकि ताकत लग रही है, अब वो क्या लग रही है वो मैं खुलासा करूंगा तो बहुत देर लगेगी, लेकिन ये समझने की, इसमें जो हमारा प्रकरण चल रहा है
इसमें बार बार कहा है वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम, वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम, वचनों की प्रमाणता अपने आप में कुछ नहीं होती, वचनों की वचन अपने आप में कुछ नहीं होते, प्रमाण भी अप्रमाण भी। वचन अपने आप में कुछ नहीं होते, यदि उनका वक्ता निर्दोष है तो वचन प्रमाण है, और यदि उनका वक्ता सदोष है तो वो अप्रमाण है। ये इतनी सी बात है लेकिन मुझे बहुत ताकत लग रही समझने में। देव शास्त्र गुरु, शास्त्र का भी मूल आधार आप्त है। अब आपसे 100 बात पूछी जाए ना वेद क्यों अप्रमाण, तो 100 बात मत गिनाया करो, इसमें ये है इसमें वो है इसमें वो है, कुछ नहीं, एक ही बात है, तुम इतना सिद्ध कर दो कि वे आप्त के वचन हैं, बस। जैन आगम प्रमाण है, कोई भी ग्रंथ भी प्रमाण होता है तो क्यों होता है, ग्रंथ तो ग्रंथ है, ग्रंथ कोई प्रमाण अप्रमाण नहीं होता। देखो गजब की बात बता रहा हूं, वचन कोई प्रमाण अप्रमाण नहीं होते। वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम, वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है, यदि वक्ता सदोष है तो वचन सदोष है, आगम सदोष है, और यदि वक्ता निर्दोष है तो वचन निर्दोष है, वचन प्रमाण है। इसलिए इस विषय को थोड़ा सा समझना घिसना बहुत जरूरी है। अब आप्त माने क्या, इस पर चर्चा, फिर आप्त अविसंवादी होता है, विसंवाद माने, इन सब चीजों को अपन सब थोड़ा देखो। ग्रंथ तो पूरा हो जाएगा, अब हम 80 कारिकाएं कर ली, क्या है, ग्रंथ तो पूरा कर लो, लेकिन हमको ये जो आप्त मीमांसा के 20 बिंदु ऐसे हैं, बस 20 एक बिंदु है पूरी आप्त मीमांसा में ले दे करके, लेकिन उनमें ही एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ता है, पसीना आ जाता है, आसानी से समझ में आते नहीं है, और कोई कारण नहीं है। अपौर उसे ये वो कितने उसमें यज्ञ की बात है, उसमें उसकी बात है, हमको कोई, हमें किसी से मतलब नहीं, हमें तो आपके वचन ही आगम है। और आगम माने क्या, इन सब विषयों पर थोड़ा सा मैं तो अभी थोड़ा और चिंतन कर रहा हूं, कई बातें मुझे समझ में आ रही है, पर अब देखो आपसे संदेश जी थोड़ी चर्चा करेंगे। हाँ, यो यत्र अविसंवाद का स तत्र आप्तः, पर ये खास बातें हैं कैसे वो, अब किसी को भी अप्रमाण सिद्ध करना है तो आपको ये सिद्ध करना है कि वो आप्त का वचन नहीं है, बस। किसी भी वाक्य को प्रमाण सिद्ध करना है तो एक ही तर्क काम आएगा कि उसे आप्त का वचन सिद्ध किया जाए। किसी भी वाक्य को अप्रमाण सिद्ध करना है तो एक ही तर्क काम आएगा कि वो आप्त का वचन नहीं है, और कोई चीज काम नहीं आएगी, बाकी सब हेत्वाभास है, हेतु एक ही है, निर्दोष हेतु एक ही, अकाट्य हेतु एक है, हेतु एक होता है, हेत्वाभास कितने भी लाओ। हाँ भैया बढ़ाओ आगे संदेश जी। हाँ, उसके पहले वीके जैन साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ गुरुजी नमस्कार। हाँ अच्छा, अभी ये कहते हैं ना कि मिथ्या दृष्टि सर्प को सर्प कहे, हाँ, तो भी उसका प्रचार वचन जो है अप्रमाण माना जाता है, तो यहाँ पे जो भी आपने कहा कि जो वचन होता प्रमाण नहीं होता, तो अगर हाँ, कोई भी आदमी कुछ भी बात कहे वेले वो सच्ची हो, वो प्रमाणित नहीं होगी, अगर वक्ता अगर आप्त कहे तो भी तभी प्रमाणित होगी। हाँ, हाँ ये तर्क है इसका।
भाई यहाँ यही तर्क दिया गया है, मैं तो इस आपको सबको सबके साथ शेयर किया है, मैं ये इसलिए ओरिजिनल माल आप तक पहुंचा रहा हूं कि मेरे समझने में कोई हम इधर उधर क्यों भटके, जो इन्होंने कहा है ठोस तर्क हमारे ध्यान में वो रहे, आज नहीं तो कल अच्छे से समझ में आएगा, लंबी बात बहुत सारी बोलने की जरूरत नहीं है। वचन अपने आप में कुछ नहीं है, वचनों की प्रामाणिकता वक्ता से होती है, यदि वक्ता सदोष है तो वचन अप्रमाण है, यदि वक्ता निर्दोष है तो वचन प्रमाण है। या फिर एक और खास बात है, या फिर वो हेतु साधित हो जाएगा, आगम साधित नहीं होगा, फिर हेतु से सिद्ध करेंगे। इसलिए आगम मन देखो, आगम में भी ज्यादातर उन विषयों को लिया जाता है, आगम का मूल विषय पर भी कभी आपको हमको चिंतन करना है। आगम माने क्या? आगम माने वो जिस जो केवल जिस का हेतु केवल आप्त वचन होते हैं, जो प्रत्यक्ष से जानते हैं, जो हेतु से जानते हैं, वो आगम नहीं। वो तो आगम का जो मूल विषय है वो तो वो प्रत्यक्ष और हेतु के परे है, आगम तो अलग प्रमाण है। प्रत्यक्ष स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान के द्वारा जो ना जाना जा सके, जैसे सुमेरु पर्वत, जैसे स्वर्ग नरक असंख्यात द्वीप समुद्र, ये विषय वास्तव में आगम है। आगम का मतलब है जिसमें जिसको समझने का एक ही हेतु है, और कोई है, आप वचन ही जिसका एकमात्र उत्तर होता है ले दे करके, जिसको हम हेतु से नहीं सिद्ध कर सकते। हाँ सूक्ष्म, अब सूक्ष्म अंतरित दूरवर्ती में भी बहुत सारे तो अनुमान से सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन जो अनुमानातीत है, जो प्रत्यक्षातीत है, जो स्मरणातीत है, वो चीजें खासकर आगम का विषय होती है। ऐसे कुछ खास खास बातें थोड़ी और ध्यान देने लायक बच रही हैं भैया, इसलिए मैंने कहा हो जाने दो थोड़ी सी बात, हो जाने दो थोड़ी सी। जी बिल्कुल। प्रारंभ में आदरणीय भाई साहब ने मुख्य गौण की बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि वस्तु में मुख्य गौण नहीं है, मुख्य हाँ गौणता हमारे वचनों में है, वो हमारी मजबूरी है, वस्तु के स्वरूप में मुख्य गौणता नहीं है। क्या ऐसा ही है क्या भाई साहब? बिल्कुल ऐसा ही। मैं ये कल आपको एक स्यात का कार्य दिखाया था मैंने, स्यात क्यों लगाया जाता है। देखो जब हम मुख्य करते हैं ना, तो एक तरह से, जरा मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, घबराना मत, जब हम किसी चीज को मुख्य करते हैं तो हम वास्तव में एक तरह से हम अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु में वो मुख्य नहीं है। आप मुख्य कर रहे हैं, देखो क्लास में 10 बच्चे बैठे और एक को आप मुख्य कर रहे हो, एक का नाम ले रहे हो, आप एक का नाम लेकर अपराध कर रहे हो। क्यों? बाकी 9 उसके बराबर नहीं है। एक एक को महत्व क्यों दिया जा रहा है? एक को महत्व देना भी अपराध है, क्योंकि बाकी को आप उस प्रकारांतर से परोक्ष रूप से आप एक को सम्मानित करने का मतलब होता है बाकी को अपमानित करना। ये बात समझ में आती है? एक को सम्मानित करने का अर्थ है बाकी को अपमानित करना, बाकी की इंसल्ट करना, बाकी की हत्या करना। कल स्यात के कार्य में लिखा ना, आप जब एक धर्म को मुख्य करते हैं तो वस्तु के अनंत धर्मों का हिस्सा हड़प लेता है वो, एक तरह से
स्यात लगाएंगे तो वो उनका हिस्सा बचेगा। स्यात इसलिए स्यात लगाया जाता है, स्यात लगाकर मुख्य किया जाता है ताकि बाकी जो दूसरों का हिस्सा है वो नष्ट ना हो, वो बचा रह जाए। ये हमारी मजबूरी वहां सो की जा सके कि हमारी मजबूरी है, हम समझने के लिए कर रहे हैं। भाई साहब स्यात स्यात और लगाना और मुख्य करना एक ही तो बात है ना। हाँ तो स्यात लगाकर मुख्य करो, स्यात लगाए बिना करोगे तो बाकी का अभाव हो जाएगा। जी 36वीं कारिका में आचार्य समंत भद्रदेव ने हमने पढ़ा, उसमें वहां पे उन्होंने लिखा कि मुख्य गौण व्यवस्था एक ऐसी चीज है जिससे दो धर्मों में विरुद्धता खत्म हो जाती है। मुख्य गौण ऐसी चीज है, तो ये अद्भुत चाबी है स्यादवाद की, मुख्य गौण व्यवस्था जो समस्त विवादों के विरुद्धता खत्म कर देती है। जो विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म है उनकी विरुद्धता खत्म कर देती है। आप लोग भी इस संदर्भ में कोई बिंदु रखना चाहें तो रख सकते हैं। स्यादवाद की ही बात चल रही है तो इसमें एक बात और महत्वपूर्ण मेरे दिमाग में कुछ दिन से चल रही है, क्या ये स्यादवाद समन्वय का वाद है क्या? क्या स्यादवाद समन्वयवाद है क्या? तो आप लोगों में से ही पहले मैं चाहूंगा कोई इस बात पर कुछ अपने विचार रखे, क्या स्यादवाद समन्वय कराने का वाद है क्या, समन्वय कराने का मार्ग है क्या? हाँ हैंडरेज कर सकते हैं आप में से कोई भी। हाँ शशि जी हैंडरेज कर रही हैं। चलिए सबसे पहले हम वैभव जी को बुलाते हैं। जी जी संदेश जी, स्यादवाद समन्वय तो बिल्कुल भी नहीं है। समन्वय तो उसको बोलते हैं कि जैसे किसी दो लोगों में आपने कॉम्प्रोमाइज कराया, या तो कॉम्प्रोमाइज की बात ही नहीं हो रही, या तो वस्तु के जो वस्तु को मुख्य गौण करके कहा जा रहा है, किसी अपेक्षा के सहित कहा जा रहा है। तो अपेक्षा यहाँ पे मुख्य होती है और जो चीज गौण हो रही है वो ऐसा नहीं कि वो उस वस्तु में है ही नहीं। तो सामंजस्य जो बोलते थे ना कि एक कॉमन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे, तो तब लाते हैं कि जब मान लो कोई बोल रहा है कि यस और कोई बोल रहा है नो, तो बोल रहा है चलो ठीक है बीच का रास्ता निकाल लेते। तो ये बीच का रास्ता नहीं है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। जी आपने भी अपना मत रखा, पहले और लोगों को भी सुनते हैं। डॉक्टर आर एम दोषी जी। हाँ जी वस्तु का जो स्वरूप है, वस्तु के स्वरूप में एकांत को स्यादवाद के द्वारा नष्ट किया जाता है। एक्चुअली वस्तु का जो स्वरूप है वही स्यादवाद के द्वारा कथन किया जाता है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम जैनिज्म। बिल्कुल हाँ शशि जी। जी हाँ जी बोलिए। हेलो हाँ बोलिए जी, आ रही है आपकी आवाज। मैं ये कहना हुआ आवाज आई? जी जी बिल्कुल। बेसिकली जो स्याद जो मैंने समझा कि जो समन्वय जो आपने पूछा है, तो समन्वय तो दो अलग अलग जिनकी विचारधारा हो उनको एक जगह लाने के लिए हम बता देते, तो समन्वय में दो पार्टियां हैं, जबकि स्यादवाद जो लगता है वो एक ही वस्तु के अंतर है। स्यादवाद में वस्तु के धर्म जो है एक ही वस्तु है वहां पे, और उसके जो अनंत धर्म है उनको बताने के लिए ही सिर्फ स्यादवाद है। समन्वय में दो, ये कोई उदारवाद नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग मतों को एक नहीं किया जा रहा है। एक ही वस्तु के जो अनंत धर्म है उनमें कोई निग्लेक्ट नहीं हो जाए, इसलिए अपन स्यादवाद लगाते, जो मैंने समझा है ना जी। आप लोगों ने बहुत अच्छे विचार रखे। ये प्रश्न ये बात मैंने यहाँ पर इसलिए उठाई जो आप्तमीमांसा प्रोफेसर उदय चंद जी की है, उन्होंने उसकी बहुत सुंदर प्रस्तावना लिखी है। उस प्रस्तावना से मेरे मेरे पढ़ने में ये बात आई कि स्यादवाद समन्वय का मार्ग है, तो इस बात पर मुझे लगा कि क्या स्यादवाद समन्वय है। मेरे को सुनकर तो थोड़ा बहुत मुझे भी ऐसा लगा जैसे आप लोगों ने विचार किए, लेकिन मुझे लगा और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। देखिए जो समन्वय है, वस्तु में तो समन्वय किसी प्रकार का नहीं होता है,
लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण वाक्य लिखा है, उसको मैं एज इट इज आपके सामने पढ़ के दिखाता हूं। स्यादवाद से वाणी में समन्वय वृत्ति आती है, स्यादवाद से वाणी में समन्वय वृत्ति आती है, लेकिन मुझे लगता है अभी और इस पर विशेष खुलासा की आवश्यकता है। क्या समन्वय ही स्यादवाद है? और कोई कहना चाहे तो कहे, फिर हम आदरणीय भाई साहब के विचार इस बारे में सुनेंगे। डॉक्टर मानमल जी भी हैंड रेस कर रहे थे फिजिकली, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगा। हाँ बोलिए जी भाई साहब। धर्म के संबंध में तो अर्पिते अनर्पिते सिद्धे वाली बात लागू होती है, वो निगौण और मुख्य की बात तो नए में लागू होती है। यहाँ कोई धर्म है हाँ। धर्म जो है वो कोई गौण मुख्य नहीं होता, क्योंकि वहां तो हर वाक्य में हर धर्म के कथन में अर्पित कथन के साथ अनर्पित कथन जुड़ा हुआ है। और धर्म जो है वस्तु में वस्तु के स्वरूप की का प्रकाशन करने वाले हैं, इसलिए उसमें मुख्य गौण नहीं होता। मुख्य गौण तो निश्चय व्यवहार व नयों में होता है, मेरा तो ये कथन है। और दूसरी बात वो थी आचार्य अमृत चंद्र ने इसीलिए समय सार की टीका में जहां पर आगम शब्द काम में लिया है ना, आगम की उपासना, तो उसके आगे शब्द लगाया, उसके साथ विशेषण लगाया है, सर्वज्ञ के आगम की उपासना से मेरे निज वैभव का जन्म हुआ है। ऐसे ही 144 नंबर की गाथा में भी लिखा है कि प्रथम से प्रथम क्या करना, सर्वज्ञ के आगम के आधार पर आत्मा के शुद्ध स्वरूप का निश्चय करना। इस प्रकार जैन धर्म में जहाँ आगम शब्द है वहां वो सर्वज्ञ की वाणी उसमें अंतर निहित है, ये बात है। इसमें एक बात और लिखी कि जब उदारवादिता की बात आपने किसी ने की थी, इसमें लिखा किंतु यदि विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोणों से उन एकांतों को समझने की उदारता दिखलाई जाए तो किसी ना किसी अपेक्षा से वे सब ठीक निकलेंगे। अनेक एकांतों की यदि हम अपेक्षा देखें और उदारता से उनको अब मैं बिना विल शिरीष जी हमारे बीच में है, वे भी कुछ कह रहे हैं। हाँ जय जिनेन्द्र संदेश जी, मुझे तो बस ये बात कहनी है कि समन्वय वहां पर होता है जहां पर झगड़ा हो, और झगड़ा वहां पर होता है जहां पर एक व्यक्ति देख रहा है कि हाथी जो है रस्सी रूप की है और एक व्यक्ति देख रहा है कि हाथी खंभे रूप की है। तो अपन दोनों को एक दूसरे की अपेक्षाएं बतला करके समन्वय कर सकें तो वो सही समन्वय है कि अलग अलग अपेक्षा से, मगर एक ही अपेक्षा से दो लोग अगर झगड़ना शुरू कर दें तो वहां पर फिर समन्वय संभव नहीं है, जो मेरी समझ आई। जी चलिए अब हम बिना विलंब किए आदरणीय भाई साहब से ही निवेदन करते हैं कि इस बात का विशेष खुलासा करें। देखो देखो ये प्रश्न हमारे सामने है, समझ लो सीधा सीधा हमारे सामने एक प्रश्न है कि क्या स्यादवाद समन्वय है, ये एक प्रश्न है, क्या स्यादवाद समन्वय है। और अपन को इतने दिन से स्यादवाद पढ़ते हो गया तो एक नजर में झट से जो उत्तर बनना चाहिए आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि स्यादस्ति स्याद नास्ति, स्यादवाद क्या स्यादवाद समन। हाँ बिल्कुल प्रज्ञा, वेरी गुड। मतलब सबसे अपन को इतनी देर लगी क्यों, आपसे कुछ भी प्रश्न पूछने दो। आपसे प्रश्न पूछा क्या स्यादवाद समन्वय है तो एक मिनट में उत्तर है, और पूर्ण उत्तर है कि है भी नहीं भी। स्यादस्ति स्यादवाद समन्वय वाद भी है, स्यादवाद समन्वय का मार्ग भी है, और स्यादवाद समन्वय का मार्ग नहीं भी है। यदि समन्वय के नाम पर आप कुछ भी करना चाहो, आग ठंडी भी होती है गर्म भी होती है, समझौता कर लो
चाहे गलत और सही में समझौता कर लो, अगर ऊट पटांग जोड़ लेने का नाम समन्वय कह रहे हो तो स्यादवाद ऐसा समन्वय नहीं है। लेकिन समन्वय में वास्तव में देखा जाए तो समन्वय में सम उपसर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। वो सम उपसर्ग ही बता रहा है कि सम्यक प्रकार से उनका अन्वय करना है। समन्वय, समन्वय शब्द बना है सम प्लस अन्वय, अन्वय माने उनको जोड़ना, सम माने सम्यक प्रकार से, सम्यक विवक्षा से जोड़ना। देखो मैं शुरू से बता रहा हूं कि स्यादवाद तीन दृष्टियों से उपयोगी है, दार्शनिक, व्यावहारिक और आध्यात्मिक, और आप तीनों जगह देखोगे तो वो समन्वय का काम कर रहा है। बौद्ध कहता है कि वस्तु अनित्य ही है, सांख्य कह रहा है कि नित्य ही है। सारे षट दर्शनों को स्यात लगाकर समन्वय कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिद्धसेन आचार्य ने और समंत भद्र आचार्य ने भी एक जगह ऐसा लिखा है कि क्या नाम वो है, भद्दम मिथ्या दंशन समूह मय्यस्य, के सभी मिथ्या दर्शनों का स्यात लगाकर समन्वय कर दिया जाए तो अनेकांत दर्शन बन जाता है। तो समन्वय में जो सम उपसर्ग है उस पर ध्यान दो। व्यवहार में भी क्या किया जा रहा है, जहां भी ये निषिद्ध जात्यंद सिंधुर विधानम सारे विवादों को हल करता है। दो लोग लड़ रहे हैं, दो बच्चे, एक कह रहा है ये मेरी मम्मी है, दूसरा कह रहा है ये मेरी मामी है, और उनको विवक्षा बताकर शांत किया जा रहा है। ये क्या कि इसमें दोनों धर्म है, तेरी अपेक्षा ये है, इसकी अपेक्षा ये है। यदि इस दृष्टि से उसको समझा जाए तो स्यादवाद समन्वय का, देखो स्यादवाद का जो पूरा विस्तार उपदेश दिया जाता है, जो महत्व विश्व शांति में समझाया जाता है, वो तो समन्वय के कारण ही समझाया जाता है। और हम लोग आज पहले ही स्वर में ये बोल देंगे कि नहीं नहीं स्यादवाद समन्वय नहीं है, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी समाज में। हमने स्यादवाद को, जिन शासन को स्थापित करने के लिए जो एक ब्रह्मास्त्र चलाया कि हमारा स्यादवाद ऐसा है कि जो सबको शांत करता है, वो कहता कोई भी कुछ भी कहे, अरे अग्नि ठंडी कहने वाले को भी कहता है बैठो यहां बैठो, उसकी भी बात कहते हैं, उसका भी समन्वय करते हैं कि अच्छा तुम जो अग्नि ठंडी कह रहे हो ना, तो तुम वो शब्दात्मक अग्नि वो ठंडी होती है, ज्ञानात्मक अग्नि ठंडी होती है, देखो दो बोट तुम्हारी तरफ है, अर्थात्मक अग्नि गर्म होती है और बाकी की दो अग्नि शब्दात्मक अग्नि और ज्ञानात्मक अग्नि तो ठंडी होती है, तो तुम शब्दात्मक और अर्थात्मक को ठंडी मानो और ये अर्थात्मक को तुम गर्म मानो। ऐसे समन्वय में सम उपसर्ग की ओर ध्यान देना है। कुछ भी गलत समझो, एक ही बात मैंने कहा ना, हम अवस्तु को मानते हैं लेकिन कैसे, वस्तु एव अवस्तुताम याति प्रक्रियाया विपर्ययात, सारा ये लाइन बहुत गजब की पढ़ी है हमने, प्रक्रियाया विपर्ययात, वस्तु त्वेव अवस्तुताम याति प्रक्रियाया विपर्ययात। यदि आपने प्रक्रिया गलत लगा दी तो आपकी वस्तु ही अवस्तु हो जाएगी। इसलिए स्यादवाद को समन्वय का मार्ग कहने में कोई दोष नहीं है। जी स्यादवाद का प्रश्न का उत्तर स्यादवाद से ही आदरणीय भाई साहब ने बहुत सुंदर तरीके से दिया। पहले से ही आदरणीय भाई साहब बताते आए हैं कि सारे प्रश्नों का उत्तर मात्र स्यादवाद से मिल सकता है, हमें इस प्रश्न का उत्तर भी स्यादवाद से ही अवश्य अवश्य
खोजना चाहिए। स्यादवाद पर ही चर्चा चल रही है, आप में से भी कोई कोई विशेष बिंदु रखना चाहता हो तो रख सकता है, और बाकी यहां से तो हम परिचर्चा कर ही रहे हैं। जो स्यादवाद है, बीच में एक बहुत सुंदर चर्चा चली थी उभय एकांत और स्यादवाद की। हाँ, आदरणीय जगदीश जी भी हमारे बीच में है, मैं अगली चर्चा से पहले उनको बुलाना चाहता हूँ। हाँ जरूर। हेलो, आ रही आवाज आ रही? हाँ सुनाओ भाई साहब। आवाज आ रही भाई साहब? हाँ हाँ आ रही है, सुनाओ आप, स्वागत है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ, ये समन्वय के संदर्भ में दादा ने, हाँ दादा ने नए चक्र में एक बात कही है। हाँ, भी समन्वय की सूचक न होकर अनुक्त की सत्ता की सूचक है। हाँ ठीक है, भी, हाँ, भी समन्वय की सूचक न होकर, हाँ, अनुक्त की सत्ता की सूचक है। हाँ, तो वहां उन्होंने समन्वय का निषेध किया कि समन्वय नहीं करना। हाँ, तो हाँ, समन्वय का अर्थ क्या लेवे, ये थोड़ा तो एक विचार। हाँ, अपनी जो बात चल रही है उसमें भी इस बात को शामिल करके चलेंगे तो थोड़ा रास्ता खुलने का अवसर बनेगा। नहीं नहीं देखो, शांति से समझो ना, मैं कितनी जोर देकर कह रहा हूं, समन्वय शब्द का डिक्शनरी में अर्थ देखो पहले। समन्वय का मतलब हम तो देखो वही बात, बहुत सिंपल तो उत्तर है, प्रश्न है क्या स्यादवाद समन्वय का मार्ग है, और मेरे सामने आप कोई भी संसार का प्रश्न ले आओ, ऐसा मेरा उत्तर एक ही है, स्याद अस्ति स्याद नास्ति। केवल इस प्रश्न का नहीं, कल मैं क्लास में एक पढ़ा रहा था एक बच्चे को, तो उसने कहा आप कह रहे हो हर वाक्य में स्यादवाद लगेगा, आप ये बताओ मेरा नाम दिनेश है, ये क्या सही है, इसमें भी स्यादवाद लगाओगे? मैंने कहा हाँ मैं इसमें भी लगाऊंगा। मैंने कहा ये नाम तेरा कुंडली में भी यही नाम है या दूसरा है ये बता दे, तेरे पिताजी इस नाम से बोलते हैं कि वो बता दे, मुझे दूसरी बात बता दे। अच्छा फिर चल तू कह देगा मेरा कुंडली में भी यही नाम है, मेरे पिताजी भी इस नाम से ही बुलाते, मेरा एक ही नाम है, हर आदमी के चार नाम होते होंगे, मेरा तो एक ही नाम है। तो मैंने कहा पिछले जन्म में भी तेरा यही नाम था, अगले जन्म में भी यही नाम रहेगा। अगर तू कहेगा कि मेरा नाम सर्वथाई दिनेश है, तो अब जानता है स्यात नहीं लगाओगे तो सर्वथा लगा हुआ है, ये समझ लेना। स्यात नहीं लगाओगे, इस बात पर भी ध्यान देना सब लोग, यदि स्यात नहीं लगाए, आपको स्यात लगा के बात समझ में नहीं आ रही हो ना, तो जरा सर्वथा लगा के देख लेना, क्या स्यादवाद समन्वय नहीं करता है? लगा दे सर्वथा के, स्यादवाद सर्वथा समन्वय नहीं करता है, तो नित्यानित्य का भी समन्वय नहीं करेगा, भावा भाव का भी समन्वय नहीं करेगा, वस्तु के अनंत धर्मों का समन्वय नहीं करेगा वो। इसलिए समन्वय में सम उपसर्ग पर जोर दे रहे हैं ना, हमें कहां दिक्कत आ रही है? इससे जो कुत्सित समन्वय है वो खत्म हो जाएगा, जो गलत समन्वय के नाम पर जो घोटाला करना चाहते हैं उसका निषेध अपने आप हो गया जी। ये मेरा अभिप्राय है, आप कुछ विशेष बात हो तो कहो हमें। और नहीं बराबर है भाई, बराबर बराबर देखो बराबर। सम, अरे कितने हमारे पूर्वजों ने सोच सोच के शब्द लगाया, समन्वय सम 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 का क्या करोगे, सिर्फ अन्वय नहीं करना है, सिर्फ जोड़ना नहीं है, सम सम्यक अन्वय। और सब सब जगह आचार्यों ने लिखा है, आचार्यों ने लिखा है, ये सबको मिला करके विवाद सुलझाता है, जेड बिना लोकस व्यवहार व्यवहार चलाता है। तो समन्वय तो लोक व्यवहार का मंत्र है,
और स्यादवाद तो समन्वय की बहुत सुंदर व्यावहारिक सामाजिक आध्यात्मिक दार्शनिक हर जगह में जो कल्प वृक्ष की तरह काम आए उसका नाम है स्यादवाद। स्यादवाद दुनिया में हर जगह शांति पैदा करे उसका नाम स्यादवाद है। स्यादवाद समन्वय का मार्ग है। ताल ठोक कर बोलो सब लोग, घबराने की जरूरत नहीं है। स्यादवाद समन्वय का मार्ग है, ताल ठोक के बोलेंगे हम, कोई गलती नहीं है जी। समन्वय सम उपसर्ग है। स्यादवाद समन्वय का मार्ग है, खूब बोलो, नेशनल इंटरनेशनल मंच पर बोलो, सबके सामने बोलो, विश्व के नेताओं को सुनाओ, सारे सब लोगों को सर, पूरा व्यवहार, पूरी राजनीति, पूरा समाज शास्त्र, बिना समन्वय के आप जीवन में एक कदम नहीं चल सकते। आपके हाथ पैर दिमाग में समन्वय नहीं हो तो गिर जाओगे। दिमाग में और पैर में समन्वय चाहिए तब चल सकते हैं। यदि दिमाग कहीं है और पैर कहीं है, गिर जाओगे। स्यादवाद द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था को बनाकर वस्तु को वस्तु बना रहने दे, वस्तु में वस्तुत्व को निप जाने वाली विरुद्ध शक्तियों के समन्वय का नाम अनेकांत है। वस्तु को जिंदा रखता है स्यादवाद। दाल रोटी मिला के क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं दाल रोटी? अकेली रोटी खाया करो, सब्जी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। स्यादवाद समन्वय का मार्ग है, खूब बोलो, ताल ठोक के बोलो, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे उदय चंद जी बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने इतना बढ़िया साफ साफ तो लिखा है इसमें टीका में, अभी संदेश ने पढ़ के तो सुनाया आपको। जहां सम लगा है, स्यात लगा है, वहां हमें कोई घबराने की, कुछ भी बोलने दो, कुछ भी बोलो, दुनिया का कोई वाक्य बोलो, स्यात लगा दो, सम लगा दो, हम टिक करेंगे उस पर, एफिडेविट में साइन करेंगे हम जी। हाँ वीके जैन साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ। मेरा एक मेरा वो कथन इसमें है कि जो कथन हाँ। होते हैं वो सापेक्ष ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, कथन निरपेक्ष नहीं होते, नहीं होते। यही यही इसी पर तो इतने दिन से घिस रहे हैं। कोई कथन, मैं एक वाक्य बोल रहा हूं बहुत दिन से, दुनिया का एक भी कथन ऐसा नहीं है जो सर्वथा सही हो, 100% सही हो, ऐसा एक वाक्य बोल के बता दो मुझे कोई। ऐसा दुनिया का एक भी वाक्य नहीं है जो 100% सही हो, और ऐसा एक भी वाक्य दुनिया का नहीं है जो 100% गलत हो। अरे स्यादवाद का महत्व ही ये है। अपन लोग अगर इस वाक्य को नहीं समझे तो फिर स्यादवाद की बात करना बंद करो। स्यादवाद का सौंदर्य इस बात में है, दुनिया का हर वाक्य सापेक्ष है। 100 जगह दिनवाणी में लिखा बता दूंगा मैं, 100 जगह मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 300 का रेफरेंस देता रहता हूं। इतनी शंकाओं का समाधान किया और अंत में लिखा बहुत कहां तक कहें, इतनी शंकाओं का समाधान किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। और फिर लिखा टोडरमल जी ने, इतने बड़े धुरंधर विद्वान, वो लिखते हैं बहुत कहां तक कहें, सर्व जिनमत का चिन्ह स्यादवाद है, इसलिए जो भी उपदेश दिया गया हो उसे सर्वता नहीं जानना, विचार करना कि ये किस अपेक्षा कहा गया है, उसे उस अपेक्षा को जानकर स्वीकार करना, और इसी का नाम समन्वय। ये कथन इस नय से है, ये कथन इस नय से है, ये कथन इस नय से है, ये क्या हो रहा है? ये समन्वय नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? ये
बस समन्वय के नाम पर कोई ऊट पटांग धंधा करना चाहे तो हमने आपको बताया कि भैया उसका मतलब उसको हमने सम लगाया है ना, स्यात लगाया। हमने पहला पहले सहला उत्तर प्रश्न था क्या स्यादवाद समन्वय है, स्यादस्ती स्यादनास्ती, बताओ हमारे उत्तर में दोष बताओ, इस उत्तर में दोष दो। हमने दोनों स्वीकार किया ना पंडित साहब, जैसे अभी हम लोगों ने सब लोगों ने ना ना बोला के ना ना और आपने हाँ हाँ बोला, हाँ तो अभी यदि कोई बोले कि सही कौन है गलत कौन है, हाँ। तो बोले दोनों सही है, हाँ। इन्होंने अस्तित्व से बोला, इन्होंने नास्तिक से बोला, हाँ बिल्कुल, मतलब गलत तो कहीं कोई हो ही नहीं रहा। अरे ये देखो वस्तु एव अवस्तुताम याति प्रक्रिया या विपर्ययात, वही बात मैंने एक प्रश्न लिखा है न्याय प्रदीपिका में कि जब एकांत है नहीं तो उनका खंडन क्यों करते हो, जब एकांत है नहीं तो उनका खंडन क्यों करते हो, तो बोले वो वस्तु में नहीं है लेकिन तेरी मान्यता में तो है, वस्तु में नहीं है पर तेरी मान्यता में तो है ना, उनका खंडन करते हैं। हाँ प्रदीप जी ने प्रश्न डाला है, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग में कैसे लगाएंगे, क्या लगाना है इसमें बताओ। यदि अनम्यूट करके बोले तो अपने यहाँ सब बैठे हैं, कोई भी लगा देगा एक मिनट में, क्या लगवाना है बताओ। नहीं तो उसमें क्या इसको एक ही सर्वथा सत्य माने इसको, किसको, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, हाँ तो सर्वथा माने कि इसको स्यात लगा के माने। अरे भैया आचार्यों ने एक दफे नहीं 100 दफे कह दिया कि हम स्यात कहें या न कहें हमारे हर वाक्य में स्यात लगाई समझना, हम जो भी बोलें स्यात से ही बोलेंगे हम। तो आप कह रहे हैं कि जहां पे स्यात नहीं लगाओ वहां सर्वथा माने, हाँ, नहीं 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 आप नहीं लगाओगे तो वाक्य में लगा हुआ माना जाएगा। देखो अच्छा। मैंने क्या कहा कि कोई इस बात को ठीक से गलत फहमी ना हो जाए, कम्युनिकेशन गैप ना हो जाए, हाँ जी, कोई भी वाक्य में जिनवाणी कहती है कि स्यात लगाओ और जिनवाणी के किसी वाक्य में स्यात लगा हुआ नहीं हो ना, तो जिनवाणी ने कहा कि भाई हर जगह ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने नहीं भी लगा रखा हो तो तुम उसे लगा हुआ समझ लेना, तो अनुक्त होकर के भी वो है ऐसा मान लेना, ऐसा मान ले, हाँ सब जगह मान, जहां लिखा है वहां बहुत अच्छा, नहीं लिखा है वहां भी लगा हुआ समझना। ठीक थैंक यू, हाँ बहुत सुंदर चर्चा अभी स्यादवाद पर चल रही है, वास्तव में तो एक एक बिंदु ऐसा है कि जितनी मर्जी चर्चा हो उतनी कम है, ये स्यादवाद एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी वाणी को निर्दोष कर सकते हैं, हमारी वाणी निर्दोष हो जाती है, और अनेकांत एक ऐसी चीज है जिससे हमारी मति व्यवस्थित हो जाती है, तो ऐसी ये अद्भुत चाबी हमारे पास है। महावीर जी जयपुर कह रहे हैं कुछ, हाँ हाँ हेलो वीर सागर जी, आपने जो समन्वय का स्वरूप बताया उससे तो पूरा दिमाग झकझोर गया। यही झकझोरने वाली, अरे भाई साहब शांति उसके बिना मिल नहीं सकती। देखो मैं एक वाक्य और बोलता रहता हूँ, बार बार फिर सुन लो, स्यादवाद कहता है कि कोई कुछ भी बोल सकता है, आपको बिल्कुल भी उत्तेजित होने का अधिकार नहीं है, चुप बैठो शांति से सुनो, उससे पूछो भाई साहब आपकी विवक्षा बता दो हमें कुछ नहीं कहना। बहुत सुंदर, हाँ बहुत शांति का विश्व शांति का मार्ग। महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने एक लेख लिखा है, महेंद्र कुमार न्यायाचार्य ने, विश्व शांति का मार्ग अनेकांतवाद।
एक प्रश्न और, जो कह रहे हैं सब एक मंच पर साथ बैठ सकते हैं, शेर और गाय एक घाट बैठते हैं, ये समन्वय है कि नहीं? समोसरण में त्रियंच भी आते हैं, सब आते हैं, समवसरण का सम है इसमें, सर्वोदयम तीर्थ। देखो क्या लिखा समंत भद्राचार्य ने स्यादवाद को, क्या लिखा, सर्वांत वत्तद गुण मुख्य कल्पम, सर्वांत शून्यम च मिथो नपेक्षम, सर्वापदामंत करम निरंतम, सर्वोदयम तीर्थमिदं तवैव। समस्त आपत्तियों को दूर करने वाला कोई है तो वो ये स्यादवाद है। स्यादवाद सर्वोदय तीर्थ है, सबको महत्व देता है, सबको बराबर मानता है, सब जीव समान है। ये समन्वय नहीं है? ये समन्वय ही तो है, निगोद से लेकर सिद्ध तक के सबका समन्वय है ये। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, ये क्या है मुझे बताओ संदेश भैया। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, ये क्या है? ये बहुत गजब का खुलासा किया। हाँ, बहुत शांति और राग द्वेष दूर हो जाए, अभी सम्यक दर्शन हो जाए आप, ये अगर सिद्धांत में आ जाए। कभी भूल के मत बोलना समाज में कि स्यादवाद समन्वय नहीं कराता, हम समन्वयवादी नहीं है। समाज में शांति रखनी है कि नहीं, बोलो हाँ हम समन्वयवादी हैं। सम पर उपसर करो, उठपटांग नहीं होगा, वो क्वन में नहीं करना है हमको, समन्वय करना है, असमन्वय नहीं करना है। सम उपसर्ग में सब लगा हुआ है, तीर्थंकरों ने सम शब्द लगा रखा है, घबराना क्यों? क्या वैभव जी? एक प्रश्न और था। हाँ जी, आपने बताया कि एक को महत्व देना भी अपराध है। बहुत, देखो मैं फिर से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कोई छल मत ग्रहण करना, घबराना नहीं, मुख्य गौण करना, ये जिन शासन की व्यवस्था है, और मुख्य गौण नाम नए व्यवस्था का है, हमें मान्य है, हमें स्वीकार्य है, लेकिन एक अपेक्षा ये समझे बिना स्यादवाद नहीं समझ पाएंगे। आप वस्तु में तुल्य बल से समान बल से सब रहते हैं, स्यादवाद का प्रयोजन ही ये है कि सबको बराबर महत्व मिलना चाहिए जिसके वे हकदार है। ये संविधान है वस्तु का, वस्तु का संविधान है कि उसमें सभी धर्मों को समानता मिले, कोई छोटा बड़ा ना रहे। आप छोटा बड़ा करते हो तो ये एक तरह की गलती है। अब समझने के लिए हम करते हैं तो उसके लिए हम स्यात लगाते हैं, हम स्यात लगा के उससे, जैसे स्यात लगा के एक तरह से हमने कहा सॉरी आपको, हम जरा दो मिनट मुख्य कर रहे, सॉरी हम मुख्य कर रहे एक मिनट। कुछ ऊंची बात है, गजब की बात है, ये विशेष बात है। बहुत अच्छा, आज तो बहुत तगड़ा स्पष्टीकरण किया आपने समन्वय का। जी, निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, सुपावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस
मस्तक न वो सदा देता हो ढोल।